हेलो दोस्तों, अगर आप SBI का कस्टमर है और SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड आप यूनो SBI को इस्तेमाल करके चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव पर, स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम यूनो SBI में लॉग इन हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है और यहाँ पे यूनो SBI मोबाइल ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे यूनो SBI मोबाइल ऐप को ओपन हो जाएंगे, आपका EMPIN डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे अगर आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है तब ऐसे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। अगर एक्सपायर हुआ है तो भी दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं और आपको पासवर्ड चेंज करना है, चेंज नाउ के ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे रिमाइंड मी लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे और हम अपना अकाउंट का डैशबोर्ड में ऐसे आ जाएंगे। तो एकदम नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर टैप करना है। आप टैप कर दीजिए। सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन है और खोल जाएगा। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है सेटिंग्स, उसके ऊपर टैप कीजिए। सेटिंग्स के ऊपर टैप करने के बाद इस पेज में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, तो वहां पे क्लिक कर दीजिए। रिसेट इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, वो प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे एंटर कीजिए और सबमिट कीजिए। प्रोफाइल पासवर्ड डाल के सबमिट करने के बाद आपको इस पेज में रिडायरेक्ट करेगा। इस पेज में आपको नया पासवर्ड डालना पड़ेगा SBI इंटरनेट बैंकिंग का और री एंटर न्यू पासवर्ड करना पड़ेगा। पासवर्ड को बनाने में आप ये बात ध्यान दीजिए, बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर्स होना पड़ेगा और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर का होना पड़ेगा। तो कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, माने एक अंक कम से कम 0 से 9 के बीच में होना पड़ेगा। कम से कम एक अल्फाबेट ए से जेड तक होना पड़ेगा बड़े कैपिटल लेटर में और एक ए से जेड तक स्मॉल लेटर में होना पड़ेगा। 1 स्पेशल कैरेक्टर लाइक ये सब दिया गया है ना, ये ऐसे एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना पड़ेगा। तो आप एक अपना मनपसंद पासवर्ड बना लीजिए और कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पासवर्ड डाल चुका हूँ और ये इंटर पासवर्ड में भी पासवर्ड डाल चुका हूँ। फिर कन्फर्म करेंगे। जैसे कन्फर्म करेंगे एक OTP आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे चला जाएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे OTP डाल के सबमिट करेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है पासवर्ड चेंज, योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया है। आप अगर इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड के माध्यम से कभी भी SBI इंटरनेट बैंकिंग या तो मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन होना चाहते हैं, अभी ये नया पासवर्ड डाल के आप हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप यूनो SBI में जाके SBI इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार।